महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के तहत मनाए जा रहे अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत नगर निगम के सदन हॉल में मदर टेरेसा फाउंडेशन के द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसमें स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सुंदर भारत की परिकल्पना को साकार करने के साथ ही लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक में महानगरवासियों को अपने अपने घरों से निकलने वाले कूड़े के प्रबंधन के संबंध में बताया गया। इस अवसर पर मदर टेरेसा फाउंडेशन के निदेशक गौरी सिंह, ट्रेनर पुष्पा चौहान, सलोनी मौर्य, सीमा मौर्य, ज्योति यादव, प्रीति अभिषा दुबे, ज्योति राजभर, निकिता सिंह, सुषमा, डिंपल राजभर, तन्नु राजभर, उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, उपनगर आयुक्त संजय शुक्ला, पार्षद अजय राय, रामलोट निषाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह तथा महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, हम सबका है एक नारा, हम सबका है एक नारा, स्वच्छ रहे भारत हमारा आजाद रहे भारत।
आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर शासन के द्वारा जो 9 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज 10 अगस्त को नगर निगम प्रांगण में आम जनमानस के बीच में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से यहाँ पर नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसे मदर टेरेसा ग्रुप के कलाकारों ने प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रमों से जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको ये एहसास होता है या मालूम चलता है कि आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं वो किसकी वजह से ले रहे हैं और उन्होंने कैसे हमारे देश को आज़ाद कराया, कितनी मुश्किलों को सहकर, तमाम झंझावतों को झेलकर उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, आहुति दे दी। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रमों से जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके अंदर एक नई देशभक्ति का जज्बा पैदा होती है, देशभक्ति का एक नई प्रेरणा उसके उनको मिलती है, और इस प्रकार के कार्यक्रम से एक राष्ट्र के जो नवनिर्माण, राष्ट्र के विकास को एक नई गति भी मिलती है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम की जितनी सराहना की जाए वो कम है। सभी जो हमारे मदर टेरेसा ग्रुप के कलाकारों ने जो यहाँ पर अभी कार्यक्रम प्रस्तुत किया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो भी कम है, और मैं कोशिश हम लोग करेंगे कि 16 तारीख तक जो हमारा ये अभियान चल रहा है अमृत महोत्सव, इसमें रोज़ एक ना एक नया कार्यक्रम यहाँ पे होता रहे, और जिससे हमारे जो गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र की जो जनमानस है, जो जनता है, उससे लाभान्वित होकर वो हमारी युवा पीढ़ी को बता सके कि हमारा इतिहास क्या है और हमारा वर्तमान और भविष्य की क्या रूपरेखा है। देखिए, देश भारत का 75वां आज़ादी का जश्न अमृत महोत्सव के रूप में कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशन में भारत का हर नागरिक देश को एक महोत्सव, एक उत्साह के तरह मना रहा है, क्योंकि आज़ादी हमारी बहुत ही कठिनाई से मिली है। हमारा हर भारतीय का या किसी भी देश की जनता का स्वतंत्रता जन्म सिद्ध अधिकार होता है, तो ये लड़ाई हम लोगों ने लड़ करके देश को आगे बढ़ाया है, और आज इसी के तहत छोटे छोटे बच्चियों ने ये कार्यक्रम किया है और ये मैसेज दिया है कि हम स्वच्छ रख कर के भारत को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। मोदी जी ने 2014 में लाल किले से झाड़ू उठाया था और दुनिया को ये संदेश दिया था कि स्वच्छ भारत रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे पूर्वज स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक थे और वो स्वच्छता पर बहुत ध्यान देते थे, लेकिन समय बीतते बीतते हम लोग उस पर पीछे हो गए और हमारे अनुभव का लाभ उठाकर दुनिया आज स्वच्छ हो गई, हम पीछे हो गए। इस तहत उन्होंने अभियान उठाया था कि बच्चों ने जो प्रदर्शन किया है स्वच्छता के प्रति, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है कि छोटे छोटे बच्चों में, नागरिकों में जागरूकता पढ़ हम अपने भारत को स्वच्छ रखें। साथ ही साथ हम अपने शहीदों को भी सम्मान दे रहे हैं। हमारा नगर निगम, हमारे नगर आयुक्त साहब, हमारे अधिकारीगण, हमारे जितने भी महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं, शहीदों की मूर्तियां लगी हैं, इनके कारण हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो नगर निगम के सभी अधिकारी, कर्मचारी, हमारे पार्षद, सफाई कर्मी सब लगे हुए हैं कि सरकार का अमृत महोत्सव सफल हो, एक दुनिया में संदेश दे जाए कि भारत जागरूक है और अपने आज़ादी का 75वां सालगिरह मना रहा है। इससे नागरिकों में, यहाँ के छोटे छोटे बच्चों में देश के प्रति प्रेम जगेगा और ये जज्बा बना रहा तो हम भारत को पूरी तरह से स्वच्छ कर सकते। एक जागृति में गाना था, तूफानों से लाए हैं किस्ते निकाल के, बच्चों इसे रखना तुम संभाल के, वही काम आज हमारे बच्चे कर रहे हैं। आज
आज़ादी को संभालने के लिए जागरूकता ज़रूरी है। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे इस काम में लगे हुए हैं, इसके अच्छे परिणाम आएंगे और हमारा देश स्वच्छ और सुंदर होगा।